तो अभी हम इनकी कॉलोनी से बाहर आ चुके हैं। इन्होंने कुछ नहीं खाया बेचारों ने, इनकी अभी तक जॉब ही नहीं लगी है। जब लगेगी तब ये पूरा उत्तराखंड खाएंगे। जब लगेगी इनकी जॉब तब तो ये पूरा उत्तराखंड ही खाएंगे। बाकी उसको भी दिखाना था पर वो मना कर रहे हैं ब्लॉग में आने के लिए। ये कैलाश वाटिका देहरादून। कहाँ जा रहे हैं हम अभी? कहाँ जा रहे हैं हम अभी? सत्ते के पास। कितनी दूर है यहाँ से एजेंसी बताओ तो? यहीं पे है, यहाँ दूर नहीं, कारगी चौक के पास। तो अभी हम कारगी चौक के पास जा रहे हैं सिलेंडर भरवाने। किस में जाएंगे? स्कूटी में। गेट खोलो आप। अच्छा गेट डुग डुग है। UK-10A बॉस 8055 सिस्टम है। अरे पीछे भी तो था इसमें कुछ लिखा। हाँ ये हमारी चाची का नाम है। लाओ सिलेंडर बाहर। क्या यहाँ ना ये सिलेंडर की पाइपलाइन तो लग चुकी है, जो गैस पाइपलाइन है ना ये लग तो चुकी है यहाँ पर, अभी चालू नहीं हुई। यहाँ से कनेक्ट होगा सीधा ऊपर। तो अभी हम इनकी कॉलोनी से बाहर आ चुके हैं। ये इनकी कॉलोनी कैलाश वाटिका। यहाँ की रोड की कंडीशन तो अभी ठीक नहीं है फिलहाल, जब से पाइपलाइन वाला काम चल रहा है। सारे जगह के यही हाल है, ऋषिकेश हो तब चाहे देहरादून हो, सारी रोडों की ऐसी तैसी कर दी है ठेकेदारों ने। सारा पैसा खा लिया इन्होंने। सारा पैसा खा लिया है ठेकेदारों ने। हाँ ठेकेदारी तो खाएंगे। जेई ने भी। हाँ तो जेई की पढ़ाई तो तुम भी कर रहे। लेकिन तभी तो हमको कुछ पैसा नहीं मिला, तभी तो हम बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं खाया। इन्होंने कुछ नहीं खाया बेचारों ने, इनकी अभी तक जॉब ही नहीं लगी है। जब लगेगी तब ये पूरा उत्तराखंड खाएंगे। जब लगेगी इनकी जॉब तब तो ये पूरा उत्तराखंड ही खाएंगे। पैनोली जो ठहरे बनियाला से है, शार्प माइंडेड। ये सामने बंजारा वाला चौक है, तो बंजारा वाला चौक पे है अतुल का घर। तो मैं इसके घर पे कल आ गया था, परसों तो मैं मियाँ वाला गया था। तो कल इसने अतुल ने मुझे बहुत परेशान किया, मतलब मैंने इसे बंगाली कोठी पे लेने के लिए बुलाया था, पर इसने ना पूरा दिन फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। तो मैं बंगाली कोठी गया जैसे तैसे आया, मुझे तो घर का एड्रेस भी पता नहीं था, तो मतलब पूछ पूछ के आ गया कैलाश वाटिका का। पैदल पैदल बंगाली कोठी से रैपिडो करी थी, तो रैपिडो वाले ने बोला भाई वहाँ पे तो 1 किलोमीटर भी नहीं है कि पैदल चल जाओ, मैं नहीं आ रहा। और वो मतलब मैंने उसकी राइड कैंसिल ही करी, फिर उससे बदतमीजी से बात करी। फिलहाल हम जा रहे हैं एजेंसी की तरफ। गाइस फिलहाल हम कारगी चौक पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से किधर जाना है? राइट लेफ्ट दाएं बाएं? स्ट्रेट जाना है हमें। तो अभी तो रेड लाइट है, तो अभी सिग्नल ऑन हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं। यहाँ से राइट। यहीं आते हो क्या आप लाइब्रेरी में? ये भी तो है लाइब्रेरी। लिख रखा उसमें लाइब्रेरी। ये यहाँ पे टेंपल, एक ये किस चीज का मंदिर है? दुर्गा मंदिर। आज तो हनुमान जन्मोत्सव भी है, तो देखते हैं अगर प्लान बना तो। ये गली ना इन चार भाइयों के लिए फेमस हुआ तेरे को है? इन चार भाइयों के लिए फेमस है सामने क्या वाले। ये चार मकान बन रहे ना, चार भाइयों के लिए फेमस है। क्यों? अच्छा एक कॉलोनी उनकी है। फोर ब्रदर कॉलोनी। कौन सी कॉलोनी? फोर ब्रदर कॉलोनी। कितना पैसा है उनपे?
बहुत पैसा है गाइस, हम पे भी आएगा एक दिन, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करेंगे। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कल कमाएंगा नहीं आज कमाएंगा तो कल बैठ के खाएंगा। अपनी मेहनत पे भरोसा रखा मेरी जान। बोलते हैं ना कि कमीशन खाने वालों के लिए कहीं भी कोई वो दिक्कत नहीं है, जहाँ भी रहेंगे वो खाते रहेंगे, इसलिए ये कमीशन खोरी में पैसा बहुत खाएगा, जहाँ भी जाएगा। आप खाओगे ना जेई बनने के बाद कमीशन? नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत बात है, पैसा खाना किसी का, सरकार देगी 10% उसी में घुस रहेंगे। कितना पैसा खा सकते हो आप एक बारी? एक बारी में पैसा खाने की कोई लिमिट नहीं, लेकिन हम खाएंगे नहीं, खाओगे नहीं। तो ये एजेंसी पे आ चुके हम, तो थोड़ा देर बाद मिलते हैं आपसे, जरा गैस भरवा लेते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे ना हमें 10-15 मिनट वेट करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने ना नया रूल निकाल दिया कि बिना बुकिंग के यहाँ पे सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो ये स्कूल है हिमालयन पब्लिक स्कूल, ये यहाँ का बहुत बड़ा स्कूल है हिमालयन पब्लिक स्कूल। तो मैं ये बता रहा था कि उन्होंने हमें बहुत वेट करवाया, फिर आधार कार्ड वगैरह से कुछ करना पड़ा, तो उसके बाद उन्होंने बताया गूगल पे से बुकिंग कर लो और अभी ले लो। फिर गूगल पे का सर्वर भी डाउन चल रहा था, तो गूगल पे में मतलब बहुत टाइम लगा, उसके बाद सिलेंडर मिला, तो फिर आधार कार्ड से अपडेट भी करवा दिया ताकि नेक्स्ट टाइम बुकिंग हो जाए और सिलेंडर खुद घर पे आ जाए। अब पता नहीं चाहता और को क्या मज़ा आता है यहाँ खुद लेने आने में, हम तो बुकिंग ही करवाते हैं भाई सिलेंडर की। तो फिर भी ना अब होना चाहिए ना इमरजेंसी में, तो लोग आएंगे जैसे अचानक ख़त्म हो गया, तो उन्होंने ये सीन गलत कर दिया कि बिना बुकिंग के सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो चलो फिलहाल घर चल के बात करते हैं आपसे। फिलहाल अभी हम कॉलोनी में आ चुके हैं, मतलब कॉलोनी के गेट में आ चुके हैं। ये उनकी कॉलोनी दिखाई थी आपको अभी, कैलाश वाटिका। नमस्ते, तो ये है अतुल का घर। कुंडमासी निवास ये है सिस्टम। गाइस चाचा तो उधर चले गए गमले लेने, जबकि इतने सारे गमले हैं घर में, तब भी अतुल के रुका हूँ, वो आएगा सिलेंडर लेने। कहाँ हो अतुल? उसको नीचे भेजो यार सिलेंडर लेने। नीचे पे रख दे बरामदे पे। क्या कहाँ रख दे? वे यार अभी सिलेंडर लेके ऊपर जा रहे हैं, जल्दी चलो यार चाचा, मेरे हाथ में जान भी नहीं इतनी। तो आप चलो ना, आप चलो ना जल्दी, तीन उंगली से तो सिलेंडर पकड़ रखा, दम छूटेगा उसी तो टाइल पे पत्थर जो भी है ये। मैंने तोड़ ना तोड़ा हो, आप तोड़ोगे ना उसे तो। चलो 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 दे दो भाई उसे, कोई मांगने वाली आ रखी बार। हाँ कहाँ लगाओगे गमले? यहाँ देखना कहाँ है, किचन में नहीं है ना? किचन में भी है भाई किचन में भी है, और कहाँ, घर के अंदर भी है, ये देखना यहाँ भी, और बाहर देखो जरा, बाहर गमले ये भी है भाई। अगले बंदे ने बाथरूम में तक लगा रखा गमला वो देखो ऊपर हर जगह गमले गमले कर रखे, पता नहीं क्या शौक है इन्हें गमलों का। यहाँ देखना यहाँ भी गमले 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 गमले। सब बढ़िया? नहीं भाई कुछ नहीं है, बढ़िया ले गाइस अभी मैं अपने मामा लोगों के यहाँ जा रहा हूँ चाचा के साथ, तो चाचा छोड़ रहे हैं मुझे वहाँ, तो घर से तो मैं यही बोल के आया था कि मामा लोगों के जा रहा हूँ, पर अभी मतलब 3-4 दिन हो गए मुझे ऋषिकेश से आए हुए, अभी तक गया नहीं मामा और क्या, तो आज चलते हैं जरा मामा और क्या। तो अभी हम जा रहे हैं डुग डुग में, चाचा की डुग डुग बॉस। बाकी रास्ता तो वही सेम है जहाँ हम एजेंसी गए थे वैसी है, तो चलो वहीं मिलते हैं सीधे मामा और क्या। अभी मामी को फ़ोन करा था मैंने, बाकी किसी को नहीं पता, वहाँ बच्चे स्कूल जा रखे और बड़ी मामी और सब वहीं अगल बगल में, किसी को नहीं पता शायद मैं आ रहा हूँ, सिर्फ अभी मैंने अपनी मामी को फ़ोन किया है। अभी चलते हैं वहाँ, देखते हैं अगर बोर हुआ तो वापस आ जाऊँगा, वैसे वहाँ बोरियत ही आती है और कुछ नहीं, बच्चे यहाँ छोटे छोटे हैं,
और घूमने भी जा सकता हूँ उनके साथ में, आज स्कूल जा रखे होंगे वैसे तो जल्दी आ जाएंगे तो ठीक है, थोड़ा टाइम पास तो कर ही देंगे मेरा लड़ाई लड़ाई के साथ। बाकी चलो चलते हैं सीधा वहीं मिलते हैं। गाइस फिलहाल हम मथुरा वाला में पहुंच चुके हैं, तो जहाँ पे वो टंकी दिख रही है ना आपको सामने, वाटर टैंक ऊपर रेड वाला, बस हमें राइट जाना है। गाइस यहाँ भी रोड के वही हाल है जो हर जगह हैं। बाकी ये मेरे बड़े वाले मामा का घर है और ये छोटे वाले मामा का घर है, तो हमें जाना है इस वाले में, और वो सामने मौसी का घर है, सब यहीं रहते हैं आसपास। तो चलो यहाँ से हमारी एंट्री है ये वाला। हाँ ओके भाई, आता हूँ शाम को, आज यहीं रहूँगा मैं, पर आऊँगा ऐसे आऊँगा अतुल के साथ, ठीक है ओके। फिलहाल मामी और के आ चुका हूँ मैं, तो अभी मेरे को नहाना है ज़रा, सुबह से नहाया नहीं था मैं, तो मूड अजीब सा हो रहा है, तो नहा लेता हूँ ज़रा, तो मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। तो गाइस फिलहाल मैं नहा चुका हूँ, बाल अभी गिल्ले हैं, तो अभी धूप में जाके सुखा लूँगा इन्हें, तो आपसे मैं थोड़ा देर बाद मिलता हूँ, जैसे बच्चे आ जाएंगे, उनका आने का भी टाइम हो ही रहा है अभी, तो अभी तो फिलहाल बहुत देर में आएंगे, मतलब 1:30 बजे तक आते हैं, अभी हो रहा है 1:16 हो चुके हैं, तो मिलते हैं तभी जब वो बच्चे आएंगे। बाय बाय गाइस, मुझे लगता है वो आ चुके हैं बाहर, गेट खुलने की तो आवाज़ आ चुकी है, तो अभी यहाँ पे छुप जाता हूँ पर्दों के पीछे, वही कल वाला सीन करते हैं जो बुआ की लड़कियों के साथ करा था, तो यहाँ पे बैठ जाता हूँ मैं। हेलो गाइस, नमस्ते, तो ये आ चुके हैं अभी, कैसा लग रहा है मुझे यहाँ देख के? बस अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अंशु नमस्ते कौन करेगा ढंग से? भैया नमस्ते। नमस्ते ढंग से नमस्ते कर भाई। तो गाइस फिलहाल अभी शाम हो चुकी है और मैं सो के उठा हूँ, दिन में मैं ना सो गया था खाना खा के, अभी मुझे ना मेरी तबीयत भी खराब लग रही है, कल रात को मैं बहुत देर तक अतुल के साथ बाहर था और मतलब ठंड सी लग रही थी कल रात को भी, आज दिन में भी नहा गया और धूप में भी नहीं गया मैं, तो ठंड लग गई है, तो गले में दर्द सा हो रहा है, जुकाम सा हो रहा है, तो व्लॉग तो कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगा क्योंकि शाम को कहीं जाना नहीं होगा, तो बाकी तब तक आप यहाँ लोकेशन देखो कितनी प्यारी सी है, इनके चारों तरफ ना पहाड़ी पहाड़ है, देखो ये वाले पहाड़ कुछ ज़्यादा ही पास है। बाकी ये मौसी का घर है मैंने बताया था आपको, और वो सामने मसूरी, इधर इधर साइड तो दुदली है, डोए वाला जाता है जो रास्ता। तो करते हैं गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।